हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बनाने जा रहे हैं शीर खुरमा। ये कैसे बनाई जाती है, आइए हम देखते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए हमने लिए हैं सिमई आधा कटोरी, एक कप चीनी, 50 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम नारियल का बुरादा, 50 ग्राम दाल मखाने, 8-10 इलायची कुटुबी, नारियल कटा हुआ, काजू बादाम, चिरौंजी। हमने एक बड़ा चम्मच देसी घी लिया है। अब हम उसमें सिमई डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे। सिमई हमारी हल्की फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको गैस को बंद कर देते हैं। हमने 1 किलो दूध लिया है। अब हम इसमें सिमई डालेंगे। पहले हम इसमें सिमई डालेंगे। अब इसको हल्का पहले पकाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे चीनी। अब इसमें ऐड करेंगे मखाने। मखानों को हमने धो लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे नारियल का बुरादा। अब इसमें डालेंगे किशमिश, इसको भी हमने धो लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे चिरौंजी, इसको भी हमने धो लिया है। सारे ड्राई फ्रूट को हमने धो के तब डाल रहे हैं। आप चाहें कोई भी अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे इलायची। शीर खुरमा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करते हैं। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। किसी भी आप ओकेज़न में इसको बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अपने कमेंट्स आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। हम फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।